नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 220 वोल्ट मोशन सेंसर स्विच सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा 4 पीस 1N4007 डायोड, एक 105J 450 वोल्ट कैपेसिटर और एक 470K 1 वाट रजिस्टर। उसके बाद ये चार डायोड से हम एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेंगे। उसके बाद इस रेक्टिफायर के इस पॉइंट को हम इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 470K रजिस्टर को हम इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 220UF25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट हम इस रेक्टिफायर के इस पॉइंट के साथ और नेगेटिव पॉइंट हम इस रेक्टिफायर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 4.7 वोल्ट जीना डायोड और एक 100 ओम रजिस्टर। उसके बाद इस जीना डायोड का कैथोड पॉइंट हम इस रेक्टिफायर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 100 ओम रजिस्टर को हम इस जीना डायोड के एनोड पॉइंट के साथ और इस रेक्टिफायर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक PIR सेंसर और दो पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार का टुकड़ा हम इस सेंसर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद दूसरा तार का टुकड़ा हम इस पॉइंट के साथ और इस सेंसर के नेगेटिव पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक BC547 ट्रांजिस्टर और एक 1K रजिस्टर। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट हम इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 1K रजिस्टर का एक पॉइंट हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद अब हमें लेना पड़ेगा और एक तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार के टुकड़े को हम इस 1K रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ और इस सेंसर के आउट पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक BT136 ट्राइक। उसके बाद इस ट्राइक का गेट पॉइंट हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद अब हमें लेना पड़ेगा और एक तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार के टुकड़े को हम इस ट्राइक के टर्मिनल 1 पॉइंट के साथ और इस रेक्टिफायर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक 220 वोल्ट मोशन सेंसर स्विच सर्किट अपने घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।